ये जो आटा है ये मक्के का आटा है और इसे यहाँ पे तोर्तिया बोलते हैं। ये है यहाँ का सबसे फेमस जगुआर टेम्पल। जो पुराने वाला ट्रेडिशन अभी भी चल रहा है, जो मायन लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ग्वाटेमाला में, यहाँ पे आके कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं उस दिन यहाँ पे ऑफरिंग करते हैं। टेररिस्ट सी ओसामा ओसामा बिन लादेन। मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं एंटीगुआ पहुंच गया था और मैं एक्सप्लोर करने वाला था वहां पे वोल्कनोस को, लेकिन भाई जो वोल्कन दो फ्यूगो है वहां पर एक पंगा हो गया मेरे साथ। अगले 3 दिन तक वहां पे अच्छी खासी बारिश होने वाली है और बारिश के कारण मेरा जो एक और वोल्कनो का एक्सपीरियंस था वो खराब हो चुका था, सेरो नेग्रो इन निकारागुआ। मैं उस सिटी में जाके वापस आ गया। तो मेरा प्लान तो था उस वोल्कनो को देखने का, क्योंकि वो वोल्कनो ऐसा है भाई दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक वोल्कनो माना जाता है। मैंने सोचा भाई कभी मान लो इलाके में दोबारा आएंगे तब कर लेंगे, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ था क्योंकि मेरे को मैक्सिमम को मैं ज्यादा टाइम बिताना था और 4 दिन बाद अच्छा मौसम दिखा रहे थे। लगातार 3 दिन तक बहुत तेज बारिश थी, फिर मैंने उस प्लान को ही कैंसिल कर दिया कि छोड़ यार अब अगली जगह पर जाते हैं। तो उसके बाद मैं एंटीगुआ से बस पकड़ के कल पहुंचा वापस ग्वाटेमाला सिटी और कल ग्वाटेमाला सिटी से रात को बस जर्नी करके मैं पहुंच चुका हूं टिकाल और आज मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूं। इस जगह के बारे में आप लोगों ने ज्यादा सुना नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां पर इतने ज्यादा लोग आते नहीं है। तो एक बार मैं थोड़ा सा बात करता हूँ पहले, फिर खाना खाएंगे और फिर उस जगह पर जाएंगे। उस जगह के बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि इस जगह के बारे में मुझे पता कैसे चला। इस जगह के बारे में यार मुझे पता चला था 2011 या 12 में, आई थिंक 12 मान लीजिए, उस टाइम गूगल आ चुका था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया था, क्या हुआ था कि आप लोगों ने गेम खेला होगा टोटल ओवरडोज या फिर टॉम्ब राइडर, ये दोनों गेम इस जगह से ठीक ठाक इन्फ्लुएंस थे। टोटल ओवरडोज एक मैक्सिकन गेम था जिसमें एक डी एजेंट होता है, वो मार धाड़ करता है, मस्त गेम लगता था मेरे को, स्पाइसी मूव अगर आप में से किसी ने टोटल ओवरडोज खेला हो तो। उस टाइम मैं इस जगह को लेकर बड़ा एक्साइटेड हो गया और सेम सीन मैंने थोड़ा बहुत टॉम्ब राइडर में भी देखा था, जो लारा क्रॉफ्ट होती थी वो वाला भी मैंने गेम खेला था। तो उससे मुझे पता चलता है कि बेटा ये जगह तो मस्त है और यूनिक भी लग रही थी, पीछे जो म्यूजिक बजता था वो भी यूनिक लग रहा था। तो मैंने सर्च किया तो मुझे 2 जगहों के बारे में पता चला, एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से आते हैं जो यहाँ के मेक्सिको पिरामिड्स है ना, चिचेन इत्सा, उसके बारे में पता चला और साथ ही मुझे इस कंट्री के बारे में पता चला कि भाई तिकाल। उस टाइम मुझे ग्वाटेमाला को प्रोनाउंस करना भी नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई लैटिन अमेरिका क्या है, सेंट्रल अमेरिका क्या है, मुझे ये पता था कि बस ब्राज़ील है कोई कंट्री और मुझे पता है यूएसए कोई कंट्री, बाकी किसी कंट्री के बारे में पता। ये मैं शायद 10वीं में था, उस टाइम की बात होगी 10वीं या 11वीं में। Me gusta Guatemala. Hermosa. Muchas hermosa. Sí. Bien. Okay, muchas gracias. De nada, mucho gusto. Bye bye. Que la disfrute bien. Adiós. ये एक अंकल जी थे, इनके सामने मैंने हाथ कर दिया था। मैं चलो रोड तक चली लेते हैं लिफ्ट लेके, यहाँ पे पता नहीं टैक्सी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो अभी यहाँ से जो मेन आर्कियोलॉजिकल साइट है वो आई थिंक 6-7 किलोमीटर दूर है, लेकिन पेट पूजा करके जाते हैं, पानी भी ले लेता हूँ यहाँ से, वहाँ पे जाके बेफालतू में महंगा ही पड़ेगा। वैसे भाई ये देखिए ग्वाटेमाला के अंदर यहाँ की जो लोकल रोटी होती है ऐसे बनती है, ये जो आटा है ये मक्के का आटा है और इसे यहाँ पे तोर्तिया बोलते हैं। इंडिया नोम्ब्रे रोटी रोटी एंड ग्वाटेमाला तोर्तिया है। मुचा ग्रासियस बाय बाय अडियोस। रेस्टोरेंट नोम्ब्रे गार्डेनियास तारहेता से मुचा ग्रासियस। 2 किंजालिस के ये तोर्तिया खरीदे हैं, रोटियां गरम गरम यार मज़े आते हैं। वैसे इतनी स्वाद नहीं लगती है मक्के वाली, लेकिन गरम गरम होती है ना तो ठीक लगती हैं। रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है यार, आ गया मैं एक फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर। तरहेता से नो नो प्रॉब्लम पर आका कहेरो español poquito. Okay. Cajero para sacar dinero. Tarjeta, sí. Sí, también tarjeta. Okay, muchas gracias. ये पूछ रहा था कार्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा, मैं इनके क्या खाऊं मैं, टैकोस क्रंच बोरितोस, मैं देख लेता हूँ मेन्यू में क्या क्या। ये देखिए ये मेरे सामने मेन्यू, उतना महंगा नहीं है, ठीक ठाक है, रीजनेबल है। ये भाई मेरा खाना टैकोस विद चिकन और ये मेरा वो तोर्तिया बचा हुआ जो उन दीदी से खरीद के लेके आया था मैं, और उसके बाद निकलेंगे भाई रूइंस को घूमने। और ये है यहाँ का सालसा पिकांते, सालसा पिकांते मतलब सालसा यहाँ पे सॉस को बोलते हैं, पिकांते मतलब स्पाइसी।
तो थोड़ा थोड़ा सा डाल लेते हैं यार। बोन अपेटिट, नोश फरमाइए भाई। खाना मेरा कंप्लीट हो गया है और खाने और उन सब के लगे मेरे 47, तो हो जाते हैं 400-500 रुपये मान लीजिए, जिसमें एक कॉफ़ी थी और वो चिकन टाकोस थे या तोड़ती है टाकोस टिका भाई अब बस पता नहीं कब तक आएगी, जब तक बस आएगी इतने में लेट हो जाऊंगा, तो अभी ये एसी में ही जा रहा हूं मैं। कोई बंदा लिफ्ट दे दे तो उनके साथ ही निकल जाऊंगा, ये स्कूल में जाने वाला लौंडा या फिर ये पीछे वाला लौंडा। टिका, यू गोइंग टिका? वेयर यू गोइंग? कौनतो किलोमीटर? कैन आई कम? मुचो ग्रासियस अमिगो, यस थैंक यू। कोमो ते आमास? एरिक। तो ये अपने एरिक भाई हैं जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है, मुचो ग्रासियस। Gracias. Thank you. भाई ये बंदा इतनी तेज बाइक चला के लेके आया ना, इतनी ज्यादा तेज बाइक चला के लेके आया, लेकिन ये बंदा मेरे को छोड़ के गया यहाँ पर। तो ये है भाई तिकाल का एंट्रेंस गेट, अब यहाँ पे मुझे टिकट विकेट खरीदने, लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, इनसे पूछते हैं। हेलो, टिकट ओके, मुचो ग्रासियस। लोकल्स के लिए टिकट है 25 की और जो बाहर के बंदे हैं उनके लिए 150 की, तो लगभग मान लो 1700 से 1800 रुपये की टिकट है यहाँ पे। टिकट लेने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है क्या नहीं है सब कुछ। मैं यहाँ पे मैग्नेट के प्राइस पता करने गया था, मैं उधर ग्वाटेमाला सिटी से मैग्नेट खरीदना भूल गया था और एंटीगो गया तब भी खरीदना भूल गया। मैग्नेट वाला पता है कितने बोल रहा है, एक मैग्नेट के घटिया से मैग्नेट के 800 रुपए हैं, शाबाश बेटे। ये वाला जो सीन है ना ग्वाटेमाला में, मुझे सबसे ज्यादा लगा है कि लूट लो बस बंदे को, उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं बेचारे के पास छोड़ो मत, निचोड़ लो उसको। 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, तो कोई नहीं, शाम के 6 बजे तक जो लास्ट बस आएगी उसमें वापस आ सकता हूँ। बस नहीं मिलता तो कुछ और मिल जाएगा, वो डर नहीं है मेरे को, फंसने का तो कोई डर नहीं, जहाँ इंसान हो वहाँ बंदे नहीं फंसते। लेकिन यार चीजें थोड़ी सिंपल बना दो यार। अमीगो टिका सी या सी ओके राइट, भाई इनसे पूछता हूँ अगर। अमीगो कैन यू ड्रॉप मी, आई कैन सिट बिहाइंड, यस 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 या ओके ओके इन द पेन ओके ओके मुचो ग्रासियस। मैं भी आसानी से पैसे नहीं निकालता इन मामलों में, सच में जब ये जनता थोड़ी इस टाइप की होती है ना, मैं फिर सोचता हूँ कि बेटा आप देखो मैं पैसे बचाऊंगा। तो अभी यहाँ पे ना ये भाई है अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, ये कोई रिपेयरिंग विपेयरिंग करने जा रहे होंगे, बोलता अब इनके साथ ही जाऊँगा मैं, तो बस पीछे आती रहेगी, ये भाई मेरे को राइड दे देंगे। 17 किलोमीटर पड़ेगी अभी, तो 17 किलोमीटर मैं इसमें बैठ के जा रहा हूँ अभी भाई, एकदम जंगल के बीचों बीच। अभी तक मैंने पूरी स्टोरी नहीं बताई है सॉरी, लेकिन वहाँ जाके पूरे ढंग से बता दूँगा आपको। Muchas gracias, amigo. Ahí estamos. Thank you. Echa la vuelta. भाई पहुंच गया हूँ, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, और अब यहाँ से थोड़े मैप वैप इकट्ठा करता हूँ, इंटरनेट पे देखता हूँ, और फिर अपने यहाँ पे घूमना चालू करेंगे और आप लोगों को पूरा इस जगह के बारे में और ढंग से बता पाऊँगा। तो वैसे आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे, मैं एकदम जंगल के बीचों बीच हूँ। जंगल के बीचों बीच ही एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो एक टाइम पे बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी, फिर विलुप्त हो गई, फिर भाई कुछ बाहर के टूरिस्ट आते हैं ये 19th century में, और जब वो यहाँ पे अपने एक्सपीडिशंस कर रहे थे तब ये शहर को दोबारा रीडिस्कवर करते हैं।
तो भाई एंट्री मेरी हो चुकी है और एंट्री के टाइम पे ये वाला एक मुझे पहना दिया है और जब मैं एग्ज़िट करूँगा तब मुझे इसको शायद निकालना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मैप मुझे यहाँ पे वैसे ही मिल जाएंगे एज ए पार्ट ऑफ लाइक लगभग जगहों पर क्या होता है जब आप आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल जगह पर जाते हो तो अब मैप वैप सब आपको एक साथ मिल जाता है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो ठीक है भाई, अब मैं मेरी आज की जो एक्सप्लोरेशन है वो स्टार्ट करता हूँ और अब आते हैं कि तो बेसिकली ये चीज़ क्या है। तो जो लोग टोटल ओवरडोज या टॉम राइडर गेम को खेला होगा उन्होंने इस टाइप के टेंपल्स देखे होंगे। ये देखिए ये फोटो, तो ये है लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका या फिर अमेरिकाज की एक पुरानी सिविलाइजेशन जो पूरी दुनिया से डिसकनेक्टेड थी बिफोर कोलंबस। यहाँ पे जब भाई अपने क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया का रास्ता ढूंढने के लिए निकले थे अपने एक वोयाज के ऊपर, तो गलती से लैटिन अमेरिका की तरफ आते हैं और वो एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर करते हैं जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं पता था, ऐसा लोग मानते हैं। कई चाइना वाले लोग बोलते हैं कि नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे और उनके कुछ कनेक्शंस भी थे, लेकिन उनकी जो थ्योरी है उसके अंदर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। तो अभी भी ऐसा ही माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेयर। और जब वो यहाँ पे आता है तो उसे एक यहाँ पे नई सिविलाइजेशन मिलती है, और उस टाइम पर जो सिविलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, इवन दो ये वाला जो शहर था ये ऑलमोस्ट एकदम रोइंस में कन्वर्ट हो गया था, इस जगह का नाम है तिकाल और ये माया सिविलाइजेशन के अंडर आती थी। ये माया सिविलाइजेशन सेंट्रल अमेरिका में, बेसिकली आपको माया सिविलाइजेशन मेक्सिको में मिलेगी। मेक्सिको का एक चेचन इचा करके एक सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से आता है। जो मेक्सिको के पिरामिड्स हैं वो वाला कनेक्शन सेम यही है, सेम जो वहाँ पे एम्पायर थी वही यहाँ पे काम करती थी, माया सिविलाइजेशन का ही वो पार्ट था और माया सिविलाइजेशन का ये पार्ट है। वो एक अलग सिटी थी, ये एक अलग सिटी है, और ये यूँ मान लीजिए वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी मानी जाती है माया सिविलाइजेशन की, और ये लगभग लगभग हज़ार सालों तक अनडिस्कवर्ड रही थी। 900 AD में इस सिटी से लोग धीरे धीरे छोड़ के जाने लग गए थे। जो लोकल्स थे उनको पता था कि एक सिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं था, इक्के दुक्के लोग रहते थे। लेकिन जब स्पेनिश एक्सप्लोरर और जो बाकी यहाँ पे यूरोपियंस आए और यहाँ पे कुछ वो ढूंढने के लिए निकले थे, और गलती से उनको यहाँ पे एक पुरानी सिटी के रुइंस मिलती हैं, और इस तरीके से भाई 19th सेंचुरी के अंदर ये शहर दोबारा डिस्कवर होता है जो 900 AD के अंदर एकदम खाली हो गया था। ये जो सिटी है ना, इसके चारों तरफ इसी टाइप के आपको जंगल मिलेंगे। पेड़ देख रहे हो भाई, क्या है ये पेड़ भाई? वैसे भाई इस जंगल के अंदर है ना जैगवार एग्जिस्ट करते हैं। जैगवार पता होगा ना आपको, जैगवार गाड़ी नहीं, जैगवार एक कैट होती है, बिग कैट। ये है फोटो भाई जैगवार की, एकदम तेंदुए जैसा ही दिखता है लेकिन अलग होता है उससे। यहाँ का राजा है जैगवार जो भाई मगरमच्छ को भी खा लेता है। अब सच में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं टोटल ओवरडोज खेल रहा हूँ और मिशन कंप्लीट करने जा रहा हूँ। यार जिन बंदों ने टोटल ओवरडोज खेला होगा मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इसमें ऐसे ऐसे जंगल होते थे उसमें। तो भाई ये सबसे पहले अपनी एंट्री हो चुकी है, ये यहाँ का काइंड ऑफ मर्काडो, ये यहाँ का पुराना मार्केट था, और ये है यहाँ का सबसे फेमस जैगवार टेंपल। अभी आगे जा रहा हूँ मैं, फिर देखूँगा कि यहाँ पे क्या क्या है। आई थिंक ऊपर नहीं जा सकते, मना किया हुआ है। ये भाई जो मेन प्लाजा है उसके अंदर एंट्री हो रही है। ये भाई जो ग्रैंड जैगवार टेंपल है इसकी हाइट 47 मीटर है और ये यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है, और ये पूरा का पूरा मेन ग्रैंड प्लाजा है, और इसको ऐसा माना जाता है कि लगभग बनने में हज़ार साल लग गए थे। पूरे इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले इस सेक्शन की नहीं, पूरी ये जो सिटी है ना माया, इस तिकाल सिटी को माया सिविलाइजेशन है, जिस सिविलाइजेशन की ये तिकाल सिटी पार्ट थी। माया सिविलाइजेशन की डेट बैक करती है लगभग 800 BC से 900 AD के बीच में माया सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। और भाई एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लैंग्वेजेस माया सिविलाइजेशन के अंदर लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनकी लैंग्वेज पिक्चर्स के ऊपर बेस्ड थी, हिलियोग्राफ कुछ बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ,
जैसी इजिप्शियन लैंग्वेज थे ना पुराने वाले भाई, जिनमें पिक्चर्स होते थे, पिक्चर्स के थ्रू वो मैसेज कन्वे करते थे। अभी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या होता है कि यार जैसे अपने हिंदी हो गई या फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हो गई, उनमें कैरेक्टर्स देते हैं, उनमें हम साउंड निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी माया सिविलाइजेशन के अंदर, उनके अंदर फोटोज़ होती थी। जस्ट लाइक जब आप इजिप्शियन के पिरामिड्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी वही लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। और यहाँ के जो काउंटिंग सिस्टम था वो भी अपने जो पूरी दुनिया के अंदर काउंटिंग सिस्टम था पहले, उससे अलग था। क्योंकि यार कुछ भी कर लो, पुराने टाइम में दुनिया कनेक्टेड थी। अभी मान लो कि जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था, कुछ चीज़ें अलेक्जेंडर ग्रीक से लेके आया होगा और कुछ चीज़ें अलेक्जेंडर जब इंडिया तक पहुँचा तो वो इंडिया से वापस भी लेके गया होगा। और उससे पहले भी तो ट्रेड होते ही थे भाई, इंडिया का जो सामान था वो यूरोप तक जाता था, यूरोप का सामान वो इंडिया तक आता था। तो जब वो सामान आता था, ट्रेड होता था, तो उसके साथ आइडियाज़ भी ट्रैवल करते थे। लेकिन लैटिन अमेरिका और पूरा अमेरिका मान लीजिए वो दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं था। इन्होंने जो भी चीज़ें बनाई वो खुद बनाई, जो भी गलतियाँ की वो खुद की। कोलंबस के आने से पहले यहाँ पे सब कुछ एकदम भाई यूनिक था, जो बाकी दुनिया के साथ मतलब ये सोचते थे कि बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और एशियंस एंड यूरोपियंस और अफ्रीकन्स ये सोचते थे कि भाई बस यही है जो है, अमेरिकाज एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब यहाँ पे कोलंबस पहुँचा तो भाई यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब इसके ऊपर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेंपल फोर करके है, उस टेंपल फोर के अंदर आप ऊपर चढ़ सकते हो बेसिकली। तो भाई फाइनली मैंने ये मैप खरीद ही लिया था। तो ये देखिए अभी मैं हूँ इस ग्रैंड प्लाजा के अंदर। ये है एक्रोपोलिस नॉर्थ ये वाला, और वो है एक्रोपोलिस साउथ। पत्थर के ऊपर भाई कार्विंग कर रखे हैं। और बाकी आप सोच रहे हो भाई इनका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ होगा, तो ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, इनके अंदर चूने का यूज़ हुआ है, लाइमस्टोन। और अभी ये जो अलग अलग क्वार्टर्स होते थे उनके तरफ जा रहा हूँ मैं। ये क्या है भाई, ये नहाने वहाने की जगह है, लेकिन इसके अंदर जो एक चेहरा बना रखा है या किसी भगवान का होगा यहाँ पे या फिर किसी और चीज़ का, लेकिन आई थिंक ये स्विमिंग पूल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई इस जगह को प्रिजर्व करने में सबसे जो बड़ी बाधा है ना वो नेचर ही है। एक यहाँ पे ये टिकल एकदम रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच लोकेटेड है, और इस कारण से बारिश भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा काई जमी हुई है हर जगह पर, और इसी कारण से इसको प्रिजर्व करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये अंदर भाई यहाँ पे जो पत्थर है वो, और साथ में चूने का दबा के यूज़ किया हुआ है। ये चूना ही है देख लो आप भाई, चूना लगता बहुत नॉर्मल चीज़ है आजकल, लेकिन पुराने टाइम में एक चूना ही होता था जिसके थ्रू बिल्डिंग्स बनती थी। सीमेंट होती नहीं थी उस टाइम पर, तो चूने के अंदर ही स्ट्रेंथ होती थी दो चीज़ों को एक साथ चिपकाने की। ये जो टेंपल है ना जैगवा टेंपल, इसके अंदर यहाँ का जो गवर्नर था उसकी कब्र है, और सामने वाला जो टेंपल आए थे वो अभी अंडर रिस्टोरेशन है। यार मैं तो यही सोच के हैरान रहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने जो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी वो सारी की सारी खुद सोल्व की हैं, क्योंकि अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप ये तीनों तो आपस में लैंड के थ्रू कनेक्टेड थे, तो कैसे न कैसे आइडियाज़ पहुँच ही जाते थे। अरे बाप रे भाई साहब, एक टेंपल उधर दिख रहा है, एक टेंपल इधर है, एक उधर है, वो टेंपल फोर्थ वहाँ पे एकदम ऊपर जाके आप पूरा व्यू देख सकते हो। इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को यार प्रिजर्व करना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं यहाँ पर जो एक्सकेवेट ही नहीं हुई है, जिनकी खुदाई चालू नहीं हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि अभी भी सिटी का कुछ पार्ट नीचे दबा हुआ है रूइंस के अंदर, जो धीरे धीरे जब आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट चलेंगे उनके थ्रू निकलेगी।
जो अभी आपने पहले जो टेंपल देखे थे ना, टेंपल वन एंड सेकंड, जो टेंपल ऑफ जगवार था और उसके सामने वाला, उनको तो एकदम प्रिजर्व कर लिया है। अब ये है टेंपल तीन। ये टेंपल तीन बना था लगभग 800 एडी के आसपास, और इसके ऊपर देखिए भाई, इसको ढंग से प्रिजर्व किया हुआ नहीं है और लगभग ये ख़त्म सा ही हो गया है। पेड़ पौधे इसके ऊपर अच्छे तरीके से उगे हुए हैं, बड़ा सा पेड़ उगा हुआ है। ऊपर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऊपर निकला हुआ है, ऊपर वाला दिख रहा है, लेकिन नीचे से पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ कोई टेंपल भी है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ऊपर देखिए आप। तो ऐसे अभी यहाँ पे काफ़ी टेंपल्स हैं जिनको इस पर कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं भाई, कितना पेड़ पौधों को कट करना पड़ेगा तब जाके वो निकलेगा इसके नीचे से। समझ ही नहीं आएगा किसी को, किसी को लगेगा एक छोटा सा पहाड़ है ये, जब तक आप ऊपर नहीं देखोगे। ये रेन फॉरेस्ट की ये बात मस्त होती है, पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं। अरे बंदर भी हैं, ये कौन से बंदर हैं भाई, मंकीज वाला। ये भाई आवाज़ सुन रहे हो आप, ये जब से आया हूँ ना मैं तब से आ रही है। अगर मान लो रात के टाइम पे यहाँ पे कोई अकेला घूम रहा हो और ये आवाज़ आए, बंदे की फट नहीं जाए कि भैंस की क्या हो गया, ये क्या है भाई, ये जैगवार ना आ जाए कि मैं सामने चल रहा हूँ और सामने से आ रहा है कि हाँ बेटा जी दीपांशु क्या कर रहे हो यहाँ पे आप अकेले अकेले, पैसे बचा रहे हो बिना गाइड के। वो वाला टेंपल है भाई जिसके ऊपर आप चढ़ सकते हो, टेंपल नंबर 4, उधर ही जा रहा हूँ मैं अभी। मैं सोच रहा हूँ कि जब ये सिटी एग्जिस्ट करती थी, जब यहाँ पे लोग रहते थे, तो क्या उस टाइम भी इतने पेड़ होते होंगे क्या? आप लोगों का क्या मानना है भाई, अगर उस टाइम भी उतने पेड़ होते होंगे तो यार लोग गुम नहीं हो जाते होंगे? मेरे हिसाब से उस टाइम तो पेड़ एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। सेम सीन यहाँ पे है, इस जगह का पता ही नहीं, लोग एक्सकवेट ही नहीं कर पाए। सेम सीन यहाँ पे है, सेम सीन यहाँ पे है। डू नॉट सिट ऑन द मोन्यूमेंट्स, यहाँ पे भी कुछ था, कुछ लिखा होगा, कुछ फोटो होगी, लेकिन बिकॉज ऑफ इरोजन एंड इतने साल से अनटच रहा, तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पे। ये है टेंपल 4, जहाँ पे आप ऊपर जाके अच्छे से व्यू देख सकते हो कि भाई किस तरीके से जंगल में बना हुआ है, और जंगल के बीचों बीच वाला व्यू आपको दिख जाएगा, लेकिन इसकी हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। ये देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से पेड़ पौधे हुए हैं, और ऊपर जो मेन टेंपल है उसके ऊपर भी खतरनाक तरीके से पेड़ पौधे हुए हैं, और जो एकदम टॉप वाला एरिया है ना वो अलग से निकला हुआ है। हेलो बना एक भाई, इनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है बेचारों की, अगर इकोनॉमी अच्छी होती तो अब तक ये सब यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं सब क्लियर हो चुके होते, पर ठीक है। तो पहले एक बेस बना रखा है, उधर नीचे प्लेन एरिया, ऊपर ये वाला बेस, और फिर यहाँ से टेंपल स्टार्ट होता है, और ऊपर जाने के लिए ये इधर सीढ़ियाँ बना रखी हैं। अरे बाप रे भाई, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं, लेकिन व्यू शानदार आ रहा है यहाँ से, थोड़ा ऊपर जाते हैं। अरे बाप, ये है भाई टेंपल 4, और लगभग मैं अभी 50 मीटर ऊपर हूँ ग्राउंड से। पीछे जो यहाँ पे आई थिंक जो एक और राजा थे उनकी कब्र है, लेकिन अंदर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने देखा ना तो कुछ भी नहीं है। ऊपर चढ़ने के लिए भाई इस टाइप की सीढ़ियाँ थी, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला जो टेंपल है ना, ये वाला, ये है टेंपल 3, और इसकी भी नीचे से हालत बहुत ख़राब हो रखी है। जो आगे आपको ये दो टेंपल दिख रहे हैं ना, ये दोनों ये वाले, इनमें से एक टेंपल था वो जो ग्रैंड प्लाजा था ना बीच में, जहाँ पे बहुत सारी जगह एक साथ थी, वो उधर रह गया। और एक ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी जाके है ना बहुत प्यारा व्यू आता है। तो आप देख लीजिए यार, यहाँ के चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेगा, और ये सारा एकदम डेंस रेन फॉरेस्ट है। इसके अंदर आप ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, क्योंकि यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी इसको हाईली प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर रखा है। ऐसे जंगल के बीच इन्होंने शहर बना रखा था, और ऐसे जंगल के बीच में ये जगह मिली है, तो यार ये काबिले तारीफ तो है भाई। और पर ये देखो ना यार, नेचर अपने आप को किस तरीके से क्लेम कर लेता है। इस टेंपल की भी नीचे से हालत अच्छी नहीं, अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। भाई कम से कम आधे घंटे तक मैं अकेला ही था यहाँ पर, अभी एक फैमिली आई है, और वो जो अजीब सी आवाज़ आ रही थी ना अभी भी आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की आवाज़ है। अब नीचे जाने का टाइम हो गया, अभी मैं एक बार उस टेंपल के ऊपर जाऊंगा, वो एक पिरामिड है, बड़ा सा पिरामिड स्ट्रक्चर है, वहाँ से भी अच्छा व्यू आएगा, और उसके बाद टेंपल 5, दो जगह बच गई हैं मेरी। तो
व्हाट्स दिस साउंड? व्हाट्स दिस साउंड? लाइक इज मंकी? हाउलर मंकीज. ओके ओके, मुचा ग्रेसियस. बाय बाय, अडियोस. बाय बाय. यहाँ पे एक ये जानवर रो रहा है भाई. ओला इस नोम्ब्रे दिस बिसोपे पिक्सो भाई, कैसा सा जानवर है देख रहे हो तुम? रकून जैसा लग रहा है. इसकी पूछ पकड़ दो क्या? और वो उधर ये हाउलर मंकीज, उधर बंदर भी है भाई. कहीं बंदर सामान वामान तो नहीं छीन के ले जाएंगे? अपने इंडिया वाले बंदर तो भाई बहुत ट्रेन हो रखे हैं इन चीज़ों में, सामान ही छीन के ले जाते हैं. फट रही है मेरी थोड़ी थोड़ी. ये क्या भाग रहे हैं? बंदर हैं भाई इतने ज़्यादा, पीछे ना पड़ जाएं मेरे. खास करके बंदरिया से मुझे बड़ा डर लगता है जब उसके पास बच्चे होते हैं, वो अटैक कर देती हैं बेफालतू में. एक और मस्त सा कॉम्प्लेक्स आ गया है भाई यहाँ पे. ये एक प्योर पिरामिड स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक उधर बना हुआ है और एक आई थिंक ये अनफिनिश्ड. और भाई यहाँ मच्छर और मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, काट भी रही हैं, पता नहीं अजीब सा ही दर्द टाइप भी हो रहा है. नो क्लाइंब, तो इसके ऊपर चढ़ कैसे सकते हैं? कहीं तो लिखा हुआ था चढ़ने के लिए. यहाँ पे ना फॉरनर बहुत कम दिख रहे हैं भाई. और देख लो अभी पीक टाइम है, 3 बजे के आसपास बजे हुए हैं. मेरे सबसे थोड़े ज़्यादा लोग सुबह आते होंगे, लेकिन बहुत कम टूरिस्ट दिख रहे हैं. कवरिंग 6,000 square meters, द मुंडू पेरिडो कॉम्प्लेक्स कंटेन 38 स्ट्रक्चर ऑन विच वॉज डिजाइंड एज ए एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स. तो जो माया लोग थे ना भाई, उन्होंने जो सोलर कैलेंडर था वो एकदम ऑलमोस्ट प्रिसाइस बना लिया था लगभग 365 डेज के साथ. और वो जो ये अपने ग्रहण होते थे एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स या फिर लूनर एक्लिप्स, उनको प्रिडिक्ट करने में बहुत अच्छे थे. इनका जो मैथमेटिक्स का डिज़ाइन था वो बाकी अपने औरों के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत अलग था. और भाई इन्होंने ज़ीरो को भी सोल्व कर लिया था. इवन तो बाकी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जो ज़ीरो की डिस्कवरी वो अपने इंडिया में हुई थी, ज़ीरो का इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन इनके पास तो ज़ीरो पहुँचा ही नहीं, लेकिन इन्होंने खुद का ज़ीरो बना लिया था. मतलब ज़ीरो का जो एक कंसेप्ट था वो माया सिविलाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता था. तो इनकी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सच में नेक्स्ट लेवल थी. वरना यार ऐसे स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल होता है, आपको कैलकुलेशन तो चाहिए ही होंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ बनाओगे तभी. तो अभी जाते हैं भाई इसके ऊपर, पिरामिड के ऊपर. उस साइड से तो अच्छा है, इस साइड से आप हालत देख सकते हो लगभग ख़राब सी हो रखी है. जो बाहर की वॉल्स थी वो जो पत्थर थे वो इरोज हो गए हैं या फिर इधर से उधर चले गए हैं. वाह, ये भाई चढ़ चुका हूँ इस पिरामिड के ऊपर, वो टेंपल फोर जहाँ से अभी मैं आया था, वो सेंटर वाले टेंपल, ये थर्ड टेंपल जो ऑलमोस्ट नीचे से बुरी हालत में है लेकिन ऊपर से फिर भी ठीक है. और यहाँ भाई और स्ट्रक्चर्स बने हुए जिनकी तरफ मैं अब जाऊँगा. और व्यू यार यहाँ से भी ख़तरनाक आ रहा है, आई थिंक उससे बेटर आ रहा है. इधर आप चारों तरफ देख सकते हो जंगल कितनी दूर में फैला हुआ है. और जो मेक्सिको का बॉर्डर है ना वो यहाँ से इधर पड़ता है, तो ज़्यादा दूर नहीं है ऐसे मेक्सिको. और भाई जब भी मैं इस टाइप की सिटीज़ या फिर इस टाइप के पुराने जो आर्कियोलॉजिकल जगहें होती हैं, फिर कोई भी देख लीजिए जो इतने बड़े ग्रैंड स्केल पे बनी होती हैं, वहाँ पे मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि यार इसको बनाने में कितने लोगों की जान गई होगी. तो आप ये देख लीजिए यार, लगभग मैं 50 मीटर ऊपर होऊंगा, तो अगर यहाँ से कोई बंदा गिरता है तो वो बचने के चांसेस तो नहीं है. और ऐसा नहीं है कि इतनी स्टीप बना रखी है तो मिसहैप नहीं हुई होंगी, ये तो इम्पॉसिबल है. देखो अभी ये चीज़ बड़ी प्यारी लग रही है लेकिन इन चीज़ों की कॉस्ट बहुत बड़ी होती है भाई. आप ये देखिए, ये ज़मीन से कम 60 मीटर ऊपर होगा, ये वाला लगभग 70 मीटर ऊपर है, वो वाला लगभग 50 मीटर के आसपास है. इतनी ऊपर तब जब इंसान इन चीज़ों को लेके गया होगा तो मैं मान ही नहीं सकता कि किसी की डेथ ना हुई हो. चलो अगली बिल्डिंग पे चलते हैं. ये सीढ़ियाँ भी इन्होंने मस्त बना रखी हैं. ऊपर आते टाइम इतना डर नहीं लग रहा था, नीचे जाते टाइम ज़्यादा डर लग रहा है. अभी मुझे यहाँ पे एक डच नीदरलैंड से भाई मिले, मैंने उनसे पूछा यार इसकी सिग्निफिकेंस बताओ मुझे, इसका मतलब क्या है. तो ये है भाई, यहाँ पे लोग सेक्रीफाइस करते हैं
और जो पुराने वाला ट्रेडिशन अभी भी चल रहा है, जो मायन लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ग्वाटेमाला में, यहाँ पे आके कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं उस दिन यहाँ पे ऑफरिंग करते हैं और यहाँ पे आग लगाते हैं। देखिए आपको हड्डियाँ वड्डियाँ दिख जाएंगे जानवरों की, मे बी चिकन हो सकता है या फिर ज़्यादा बड़े तो नहीं लग रही, चिकन की हड्डियाँ लग रही मुझे, चिकन या टर्की मैक्स। यहाँ पे आके लोग अपना खुद का खून, या पुराने टाइम में तो यहाँ पे ह्यूमन का भी सेक्रीफाइस होता था और ये जो धुआं होता था ना वो भगवान के लिए ऑफरिंग होती थी। तो मायन कल्चर जो पुराने प्री कोलंबियन एरा थी इस कॉन्टिनेंट के अंदर, उसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और अगर आप पुरानी उनमें जाओगे, सभ्यताओं में जाओगे ना, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस आपको हर जगह ही मिलेगा। अपने इंडिया में भी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा टाइम रहा होगा जब ह्यूमन सेक्रीफाइस एक बड़ी चीज़ होती थी, बलि, बलि दी जाना। तो बलि वाला कल्चर मायन कल्चर में भी था। और जितनी भी मैंने मोन्यूमेंट्स देखे ना बड़े बड़े, उन सब के आगे ये एक छोटी सी गोल जगह बना रखी थी जहाँ पे ऑफरिंग दी जाती है। और मैं चक्कर में पड़ा था कि यार ये अभी भी आग कैसे लगी हुई है, पुराने टाइम में तो मैंने मान लिया, तो अभी भी जो मायन लोग हैं वो यहाँ पे आके सेक्रीफाइस करते हैं। ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं, वो अलाउड नहीं है आजकल, लेकिन चिकन का थोड़ा बहुत अपना खून डालने का वाला, तो ये सब चीज़ें अभी भी यहाँ पर होती हैं। तो यही है भाई, एशियंट रुइंस ऑफ तिकाल ऑफ मायन सिविलाइजेशन। एक शहर हुआ करता था जो अब पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब बस उसके अवशेष बचे हुए हैं। इस सिटी के अंदर यार अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन करने की ज़रूरत है, एक्सकेवेशन मतलब कि बहुत चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत है, लेकिन इन बेचारों के पास भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि इस पूरे जंगल के बीच से हर चीज़ को निकाल सकें। धीरे धीरे आई थिंक यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे की तरफ, मुझे प्यास लगी हुई है, मैं पानी खरीदना भूल गया था। भाई अब हो चुका है मेरा इस यहाँ का टूर ख़त्म हो चुका है, अब एक रेस्टोरेंट में जाके आज यहाँ की बियर पीने वाला हूँ मैं। अभी तक मैंने यहाँ की लोकल बियर ट्राई नहीं की थी, सर्वेजा बायो बायो करके यहाँ की बियर, क्योंकि कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो आज आखिरी दिन है और थक सा भी गया। अरे गाड़ी वाले आ रहे हैं, इनके साथ जा सकता हूँ मैं वापस। आई थिंक मेरी भाई किस्मत सच में बहुत अच्छी है, आई थिंक ये उधर ही जा रहे हैं। बस उम्मीद ये है कि बंदे गाड़ी रोक लें और मेरे को बिठा ले, बिठा लिया तो बढ़िया यार, बस के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी सारी जो बातें हैं ना, हेलो बाय बाय, ये जाएंगे क्या? आर यू गोइंग टू द सी? कैन आई गो? Thank you. Yes. Let's go. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Magdaleno. Magdaleno. Uh-huh. And you? Freddy. Muchas gracias. ¿De dónde eres? Deep. ¿De dónde eres? India. La India. Ah, yeah, sí. Puro terrorista. Ah, turista. No, terrorista, ¿eh? Terrorista. Terrorista, sí. Osama. Osama Bin Laden. No, Osama Bin Laden. Vladimir Putin. भाई साहब और के साथ मस्त बातें करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन गंदी बात क्या, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। मस्त बंदे हैं ये। अब हम थक चुके हैं, दोनों बैठ गए हैं, एक भाई साहब उधर बैठ गए हैं, इधर बैठे हुए हैं और मैं इधर नीचे बैठ गया। होटल लागुआ, यस 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 यस, मुचा ग्रासियस अमिगो, मुचा ग्रासियस, मुचा ग्रासियस, यस सी, बाय बाय, थैंक यू। आ भाई हाँ पहुंच गए वापस से, मस्त ही चाइकिंग हो गई, मस्त बंदे आ गए। और वो जो दीदी जिनसे मैं सुबह तोड़ती रोटी खरीद के गया था, वो अभी भी रोटी बना रही हैं।
उनसे थोड़ी एक रोटी और लेके आता हूँ मैं। ¿Cómo estás? Hola. Salada. Uno quetzal es tortilla. Un quetzal. Un quetzal. ¿Cuánto? Tres. Una bolsita. Okay. Ah, picante, sí. Mm. Picante salsa. Ahorita. ¿Sí? Ahorita. Contento. ये भाई सुबह से बना रही हैं रोटी, आई थिंक अच्छी खासी बिकती हैं ये। मुझे सच में स्वाद लगी थी बिना किसी के साथ ही, तो इसलिए मैं वापस यहाँ पे खाने आ गया। Cuánto quieres de chile? Cuánto quieres de chile? Poquito? Poquito, sí. ¿Puedes agarrar y echarle aquí? ¿O no? Aparte. Sí, 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 sí. Ahí está la cuchara. Ah, okay. Pica mucho. ¿Mucho? Sí. Okay, muchas gracias. Vaya. अया से मैं यहीं पे बैठ के खा लेता हूँ यार। ये भाई गरम गरम तोर्तिया टाकोस तोर्तिया तोर्तिया मी गुस्ता बेन बेन 10 रुपये का खाना है भाई ये। पिकांते बेन India picante. Okay, adios. Adios. Bye bye. यार ये दीदी मस्त हैं। सुबह भी इन्होंने ना इनसे मैं खरीद के लेके गया था भाई, बड़ा स्पाइसी सॉस था यार। जीभ ऐसे फल फला रही है मेरी, अब नाक से पानी निकाल दिया। भाई उसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा और अब मैं पीऊंगा एक 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 बियर मारूंगा यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ फिर आपको कौन सी बियर पीने वाला हूँ अभी। मुचास पिकांते सी। मुचास पिकांते मतलब भाई फुल स्पाइसी रखना। तो भाई मैं यहाँ पे अब खा रहा हूँ टाकोज विद चिकन और ये है यहाँ की लोकल बियर, इससे बोलते हैं गायो गायो सर्वेजा सर्वेजा दिन अभी को। ये भाई जाएगा मेरे कलेक्शन में और इसका टेस्ट और बता देता हूँ आप लोगों को। यार देखो मेरा मन करता है हर कंट्री में बियर ट्राई करने का, बाकी आजकल मैंने वो करता वरता नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ड्रिंक व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड। ओके ओके, अभी तक सबसे सही मुझे लगी थी वहाँ की निकारागुआ की जो टूना है ना वो बड़ी प्यारी है। बाकी एल सेल्वाडोर में उनकी एक लोकल थी, उसका नाम भूल गया मैं, पर वो भी ठीक थी। ये देखिए भाई ये है मेरा खाना, ये क्या बोलेंगे इसको, टाकोस तो नहीं है, ये तोर्तिया है, इसके अंदर चिकन है और ये भाई साथ में सैलड अलग अलग टाइप की, इसमें स्पाइसी वाली भी है और दूसरे वाली भी है। और ये जो बियर है ये ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म हो चुकी है, गायो बियर द नेशनल बियर ऑफ ग्वाटेमाला। टेस्ट अब ठीक लग रहा है, पहली गोट अच्छी नहीं लगी थी लेकिन अब ठीक है। तो The next day. Good morning guys, और फिर से आपका स्वागत इस वीडियो के अंदर। कल यार वहाँ से आने के बाद सो ही गया था, नींद सी आ रही थी, थक सा गया, आया नहाया, अच्छी बात कही थी इनके पास गर्म पानी मिल गया। कल लगभग यूँ मान लीजिए आप मैं 25,000 स्टेप्स के आसपास चल जाऊँगा उस पूरे उस माय रुइंस को एक्सप्लोर करने में। अगर यहाँ पे आप आते हो ना ग्वाटेमाला में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस जगह पर आना यार, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हो या फिर हिस्ट्री में आपके थोड़े बहुत में इंटरेस्ट है ना तो ये जगह आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और आज मैं अब बेलीज की तरफ निकल रहा हूँ, तो करते हैं इस वीडियो को खत्म, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और एक और बात ना, मेरे कल जाते टाइम भी मुझे लिफ्ट मिल गई थी, आते टाइम भी मुझे लिफ्ट मिल गई थी, और जो बंदे मुझे मिले थे ना वो भी बड़े सही थे, तो उनके साथ काफ़ी देर तक बातें भी हो गई थी मेरी।